वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल ऑनलाइन क्लासेस 9th क्लास प्रथमा पाठ जयतु मे माता। जैसा कि आपको मालूम है, लिखा है आधुनिके अभी काले संस्कृत गद्य पद्य लेखना लेखका नाम, मतलब आज के भी समय में संस्कृत गद्य पद्य लेखकों के प्रचुरता है अधिकता है। तेषु मूर्धन्य विद्वत्सु कवि लेखकेषु, उनमें से बहुत अच्छे विद्वानों में, कवियों में, लेखकों में श्री आचार्य डॉक्टर प्रभु दयालु। क्या नाम उनका? डॉक्टर प्रभु दयाल अग्निहोत्री। डॉक्टर प्रभु दयाल अग्निहोत्री महोदयस्य विशिष्टम स्थानम, उनका विशिष्ट स्थान है। एतैः मनोविज्ञाने च कथा काव्य नाटकादि विद्यासु विधासु अनेकानि, इन्होंने मनोविज्ञान में कथा काव्य नाटक आदि विधाओं में अनेक पुस्तकानि विरचितानि, अनेक पुस्तकें रची हुई है। संग्रह 2005 ईस्वीयाब्दे प्रकाशित, इन्होंने संग्रह अपना 2005 के ईस्वी में प्रकाशित किया है। प्रस्तुतम जयतु मे माता इति, यह पाठ आपके इस पाठ में प्रस्तुत है जयतु मे माता। गीते अस्मिन् सुमधुर गेयैः भावपूर्ण शब्दैः, इस गीत में सुमधुर गाने योग्य भावपूर्ण शब्दों द्वारा भारत भूमेः वंदना कृतास्ति, भारत भूमि की वंदना की गई है अग्निहोत्री जी के द्वारा। भारत भूमि की वंदना बहुत अच्छी की गई है। तो लिखा है जयतु जयतु मे माता अस्याह कष्टकरं दुर्दैवं समयतु सदा विधाता, त्वं वेदोपनिषज्जनयित्री भारत रामायण कवयित्री, अजनिष्ठाः कृष्णं गोपालं योगीतायाः गाता। ज्ञानभानुरादौ त्वयि युदितः शूरस्ते तनयः सम्मुदितः, केवल निजरक्षार्थम् अहिंसा वृत्ति बाण संधाता। जयतु जयतु मे माता, हे माता, हे भारत माता, आपकी जय हो। अस्याः कष्टकरं दुर्दैवं, यह कष्टकर दुर्दैव समय हमेशा क्या करें आप? शमन करें, उसका क्या करें? समन करें। इस कष्टकर दुर्दैव समय का जो समय है कष्टकर, उसको आप समन करें, उसको ख़त्म करें। हे माता, आप उसका क्या करें? समन करें। ये लाइन हो गई। त्वं वेदोपनिषद जनयित्री, तुम किसकी जनित्री हो, किसकी माता हो? वेद उपनिषद को पैदा करने वाली हो। और किसको पैदा करने वाली हो? भारत रामायण कवित्री, महाभारत और रामायण की कवित्री हो। हे भारत माता, तुम वेद उपनिषद की जनित्री हो, भारत और रामायण की कवित्री हो। अजनिष्ठा कृष्णम गोपालम योगीतायाः गाता, अज की निष्ठा कृष्ण गोपाल की गीता को जो जिसने गाया वो आप भारत माता हो। ज्ञान भानुरादौ त्वयि उदितः, ज्ञान भानु ज्ञान का सूरज आदौ त्वयि उदितः, सबसे पहले आपसे ही उगता है। सूरस्ते तनयः सम्मुदितः, सूरस्ते तनयः सम्मुदितः, तुम्हारा पुत्र सूरज यहीं उगता है। नहीं, सूरस्ते तनयः सम्मुदितः, तो यहाँ पे तुम्हारे जो पुत्र वीर पुत्र हैं वो उदित होते हैं, यहाँ पैदा होते हैं। कहाँ लिखा है ये? ये लिखा है ये सूरस्ते तनयः सम्मुदितः, सूर जो सूर मतलब वीर व्यक्ति, जो तुम्हारे पुत्र हैं उनको तुम पैदा करने वाली हो। केवल निज रक्षार्थम अहिंसा वृत्ति बाण संधाता, अपनी रक्षा के लिए अहिंसा का व्रत धारण करने वाले लोग यही हैं। मौर्य शुंग गुप्ता अभिनंदिता। कहाँ से? मौर्य कहाँ हुए? शुंग कहाँ पैदा हुए? गुप्त
इन सबसे आनंदित हर्ष भोज शिवराज वंदिता, हर्ष और भोज शिवराज इन सबके द्वारा वंदित हो आप हे भारत माता। संप्रति लोक गणो यम सकलस्तव, पूरे अभी जो लोकगण है यह सक पूरी सीमनान त्राता, सीमाओं को त्राता हो तुम। कालिदास कविता रसमग्ना, कालिदास की कविताओं से के रस में मग्न हो। सांख्य योग साधन संलग्न, सांख्य योग के साधन में संलग्न हो। नालंदा अजंता मातस्ते, नालंदा अजंता हे माता तुम्हारी श्रद्धांजलि प्रदाता, ये तुम्हारी श्रद्धांजलि के प्रदाता हैं। फिर आगे क्या है, आगे है कच्छ काम रूपांत वासिनी। कच्छ बहुत फेमस है, काम रूपांत वासिनी कहाँ रहने वाले हो, काम रूप में गंगा कावेरी सुहासनी, गंगा और कावेरी इन नदियों के द्वारा तुम अच्छा हास करती हो। चतुर्दिगंत वह पवनस्ते, चारों दिशाओं में तुम्हारी पवन बहती है। मातर यश्याम गाता, तुम्हारे यश का गान करते हुए चारों दिशाओं में पवन मतलब हवा बह रही है। फिर आगे लिखा है सावहितः सीमांत रक्षकः येन न दंशति कोऽपि तक्षकः। सावहितः सीमांत रक्षकः कौन है, आपका सीमाओं का रक्षक कौन है, हिमालय। ये न दंशति कोऽपि तक्षकः, कोई तक्षक कोई सांप उसको नहीं दसता है, कोई नहीं दस सकता है। निष्कारण विद्वेष करस्तव काल मुखम प्रतियाता, जो निष्कारण ही दुश्मनी करते हैं उनको काल के मुख में भेज देते हैं। जयत जयतु हे माता, हे माता आपकी क्या हो, जय हो। यह एक पेज हो गया। फिर दूसरा पेज, शब्दार्थ में है जयतु, जयतु मतलब जय हो। ये सारे शब्दार्थ आप पढ़ लीजिएगा, शब्दार्थ दिए हुए हैं। फिर आगे आता है एक पदेन उत्तरत, उत्तरम लिखत, एक पद में वन वर्ड आंसर में लिखना है, फुल सेंटेंस आंसर नहीं लिखना है, वन वर्ड में आंसर आपको लिखना है। क्या लिखा है, गीता या गाता का कह, गीता को गाने वाला कौन है, गीता यहाँ गाता कह कौन है, गीता को गाने वाला। तो आप पिछले वाले पेज में जाएंगे, किस में जाएंगे, पिछले वाले पेज पे जाएंगे। देखिए गीता को कौन गा रहा है, कृष्णम गोपालम, ये लिखा है आप देख सकते हैं, कृष्णम गोपालम ये लिखा है यहाँ पे, कृष्णम गोपालम यो गीता यहाँ गाता, ठीक है, तो ये लिख दीजिए। फिर आगे लिखा है सीमांत रक्षक कीदृशः अस्ति, सीमांत का रक्षक कैसा है, तो लिखा है सावहितः, सावधान है। वेद उपनिषद जनित्री का, वेद उपनिषद की जनित्री कौन है, वेद और उपनिषद को कौन बनाई है, तो भारत माता बनाई है, तो आपको भारत माता लिखना है। निष्कारण विद्वेष करह कुत्र याति, निष्कारण बिना कारण के जो विद्वेष करता है वो कहाँ जाता है, तो जाता है काल मुखम, काल के मुख में चला जाता है। मातुः कष्टकरं दुर्दैवं कः शमयति, माता के कष्टकर और दुर्दय को शमन कौन करता है, तो उसका शमन कौन करता है, उसका शमन करता है विधाता, कौन करता है, विधाता। फिर आगे आगे हैं वन वर्ड, एक वाक्य उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, पहले थे वन वर्ड अब एक वाक्य में लिखना है, फुल सेंटेंस में आंसर लिखना है। मातुर यशाम गाता कह, माता के यश को गाने वाला कौन है, माता के यश को कौन गाता है, तो आप पिछले पेज में आइए। मातुर यशाम गाता कह कौन, तो मातुर यशाम गाता कह कौन है, माता के यश को गाने वाला, तो कहाँ लिखा है मातुर यशाम गाता कह, मातुर ये लिखा नीचे, चतुर्दिगंत पवन, चतुर्दिगंत वह पवनस्ते मातर यश्याम गाता, माता के यश को गाता है, ये हो गया 2.1। फिर अगला क्वेश्चन है भारत माता कैह वंदिता, भारत माता किससे वंदित है, किससे वंदित है भारत माता, तो आप लिख दीजिए
मौर्य सुरंग, मौर्य सुंग, ये लिख दीजिए ये वाली लाइन, मौर्य सुंग गुप्ता अभिनंदिता हर्ष भोज शिवराज वंदिता, ये लिख दीजिए। फिर अगला अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है भारत माता कई अभिनंदिता, भारत माता किससे अभिनंदित है, तो भारत माता कई अभिनंदिता, तो यहाँ लिख दीजिए मौर्य सुंग गुप्ता अभिनंदिता, मौर्य सुंग गुप्त से अभिनंदित है, यहाँ ये वाली ऊपर वाली लाइन लिख दीजिए। फिर आगे है अहिंसा व्रती किमर्थम बाण संधानम करोति, अहिंसा व्रती किस लिए बाण का संधान करता है, जो अहिंसा का धारण करता है अहिंसा के व्रत को, वो क्यों बाण का संधान करता है, तो उसमें लिखना है अहिंसा व्रती निज रक्षार्थम बाण संधानम करोति, इस तरह लिख देना है। फिर चलते हैं अगली एक्सरसाइज की ओर, यहाँ लिखा है रिक्त स्थान पूरा कीजिए, रिक्त स्थान पूरा करना है, येन न दंशति कोपि तक्षिकः तक्षकः, दंशति आपको देख के भर देना है, जो भी पोयम दी हुई है वहाँ से देख देख के आप भर दो, ये पूरी लाइनें कर दो। फिर आगे है संधि विच्छेदम कृत्वा संदेह नाम लिखत, संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है, तो यहाँ लिखा हुआ है त्वयुदितः, तो संधि विच्छेद कैसे करोगे, त्वयुदितः तो त्वयि प्लस उदितः, कौन सी संधि है, यण संधि है, त्वयि प्लस उदितः यण संधि, त्वयि प्लस उदितः, मैं मोबाइल के ऊपर लिखने की कोशिश करता हूँ, त्वयि प्लस उदितः उदितः ऐसा कुछ लिखेंगे आप, मोबाइल के ऊपर ठीक से लिखते नहीं बनता है, यण संधि आएगी। फिर आगे सूरस्ते, सूरह प्लस ते लिखा हुआ है विसर्ग संधि, गणो अयम गणह अयम पूर्व रूप संधि, फिर कोपि कह अपि पूर्व रूप संधि, फिर विद्वेश करस्तव, विद्वेश करह प्लस तव विसर्ग संधि, फिर यथा योग्यम योजयत, आपको यथा योग्य योजित करना है मिलाना है, तो मिला हुआ है, शमयतु का क्या होगा विधाता, रक्षकः का सावहितः, बाण संधाता अहिंसाव्रति, कविता कविता का कालिदासः, चतुर्दिगंतवः का पवनः, ऐसे करना है। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखा था, शुद्ध वाक्यों के सामने आम मतलब हाँ और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखना है नहीं। गोपालः गीता यह गाता, गोपाल गीता का गाता है, हाँ या ना आम, गोपाल गीता यह गाता, भारत माता मौर्य शुंग गुप्तैः वंदिता अस्ति, अभिनंदिता है, वंदिता नहीं है अभिनंदिता है ना, सकल लोक गण सीमनाम त्राता अस्ति, सकल लोक गण सीमाओं का त्राता है, हाँ आम, भारत मातरी आदौ ज्ञान भानो न उदितः, ना भारत माता में सबसे पहले ज्ञान का भानु उगता है, ज्ञान का सूर्य उगता है, यहाँ नहीं उगता है लिखा है। फिर अगली एक्सरसाइज के और चलते हैं, उदाहरण के अनुसार पदों के मूल शब्द विभक्ति और वचन लिखिए, जैसे लिखा हुआ है येन, येन में मूल शब्द है यत, विभक्ति कौन सी है तृतीया, वचन कौन सा है एक वचन, फिर अस्याः यत शब्द है पंचमी और षष्ठी विभक्ति है एक वचन है, तव मतलब तुम्हारा युष्मद शब्द है षष्ठी विभक्ति एक वचन, फिर आएगा गीतायाः गीता शब्द है पंचमी और षष्ठी विभक्ति एक वचन, अयम अयम अर्थात इदम, इदम मूल शब्द है विभक्ति कौन सी है प्रथमा, वचन कौन सा है एक वचन, इस तरह से आपको ये कॉपी में लिखना है और आपका एग्ज़ाम होगा, आपके लेसन में से क्वेश्चन आएंगे आपको, जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, और आपको ये ज़रूरी नहीं कि यही यही सारे
क्वेश्चन आए, अलग से भी क्वेश्चन आएंगे जो आपको लेसन को समझ करके लिखना है। तो लेसन बहुत ज़रूरी है कि आपको समझ में आए, और यहाँ का ग्रामर बहुत समझना ज़रूरी है। इस तरह का ग्रामर भी आएगा और लेसन में से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको समझ करके लिखना है। फिर आगे है योग्यता विस्तार। अस्य गीतस्य लयबद्ध गानम कुरुत, इस गीत का लयबद्ध गान करो। लयबद्ध आपको इस गीत को याद करके गाना है। अन्यानि अपि राष्ट्रभक्ति गीतानि अन्विष्य लिखत, अन्य और भी राष्ट्रभक्ति गीत ढूंढ करके लिखना है। ये सब आपको करना है। धन्यवाद।